नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीटी परीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के जो विषयों में आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित जो हड़प्पा सभ्यता को कवर करने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के जो है तथ्यों और विभिन्न प्रकार के जो है आपके अंदर समझ पैदा करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, हम यहीं से इसको जो है प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, इससे सभ्यता से संबंधित जो प्रारंभिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। तो इसी से जो है इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। यद्यपि इसके साथ साथ में सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो ज़्यादातर अवशेष जो है सिंधु घाटी में या सिंधु नदी के तट पर जो प्राप्त होते हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो नाम दिया गया था उसे कहीं कहीं पर जो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। एक और शब्द कांस्य युग है, कांस्य युग, और दूसरा नाम यहां पर आपको क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो नाम यहां पर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर जो है सभ्यता पाई गई थी। इसके अवशेष यानी कि हड़प्पा घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष थे वो सबसे पहली बार जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर जो पाए गए थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि इससे ज्यादातर जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी में पाए गए या सिंधु नदी के तट पर पाए गए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। और चूंकि जब हम मानव सभ्यता के द्वारा खोजे गए धातुओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है विकास के क्रम में हम लोग कांस्य तक पहुंचते हैं, कांसा तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसके पूर्व में तांबा और टिन की खोज हो चुकी थी और तांबा और टिन को मिला करके बनाया गया जो धातु होता है वो कांसा होता है, इसलिए इसे जो है यहाँ पर कांसे की खोज और प्रयोग के कारण से कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि धातुओं का सभ्यता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये देखा जाए तो इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी जो इसे कहा जाता है। अब हम अगर नामकरण के बाद इसकी अवस्थिति को देखें, अवस्थिति हमेशा हम चूंकि भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए भारत के संदर्भ में देखना चाहिए। भारत के संदर्भ में अगर हम भारत की स्थिति को इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पर जो है इसके अवशेष जो है पाए गए हैं ज्यादातर, तो ये जो है क्या हो गया पश्चिम और उत्तर, ये जो है एरिया जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थिति है वो भारत के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाया गया है। यदि पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो ये पूर्वोत्तर भी हो सकता है, दक्षिण भी हो सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति जो है पश्चिमोत्तर में पाई जाती है। विस्तार को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो विस्तार जो है भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से पाए गए हैं, तो यानी कि पाकिस्तान के अगर क्षेत्रों की बात किया जाए, पाकिस्तान के क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो वहां पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर इसके अवशेष ज्यादा संख्या में जो है पाए गए हैं। और अगर भारत की बात किया जाए तो हम दक्षिण से प्रारंभ करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य पाए गए हैं। यद्यपि इसका उत्तरी जो भाग है या सबसे उत्तरी जो इसके अवशेष प्राप्त स्थल है वो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले तक भी पाया जाता है। तो विस्तार को हम लोग मुख्य रूप से 2+4+7+1। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या सूत्र की तरह से बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जो जाने जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाने जाते हैं। चार के रूप में हम उनको देखेंगे, जो कि इसके सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे जो है पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु पर पाए जाएंगे। यानी कि इसका जो विस्तार है उसका पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी चार महत्वपूर्ण बिंदु जो है बनाए गए हैं, जो कि इसके जो है अंतिम स्थान और दिशा को भी जो है निर्धारित और निश्चित करते हैं। और साथ में जो है हम उन्हें देखेंगे
कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी स्थल प्राप्त हुए उनमें से 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर ये जो है प्रणाली या नगरीय जो है क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, और इसके अलावा कुछ अन्य स्थल भी जो है इसमें बसते हैं। तो अगर हम इस तरीके से क्रम से देख रहे हैं और पढ़े तो ये पढ़ने का एक अप्रोच है। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि चूंकि आप भी अन्य विषयों के संदर्भ में या इसके संदर्भ में ऐसा जो है विकास करें, क्योंकि ऐसा करने से जो है आपके अंदर एक बार में उस टॉपिक को पढ़ने का भार नहीं आता है और आप धीरे धीरे उस टॉपिक के पूरे और संपूर्ण भाग को पढ़ने में जो है सफल हो जाते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जैसे कि हड़प्पा के बारे में बताया गया कि 1921 में इसकी जो खोज की गई, 1921 ईस्वी में खोज की गई। हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में जो है हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के जो पंजाब, यहाँ पे ये पंजाब जो है हमारे यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी एक जो पंजाब प्रांत उनका जो बना हुआ है, तो पंजाब क्षेत्र में जो है पाया जाता है। और यहाँ पे जो है ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के जो है तट पर जो है ये पाया गया है। और ये जो है दयाराम राय बहादुर के द्वारा जो इसकी तो ये यहाँ से सवाल भी जो है ये पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है, इन दोनों स्थलों के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे है और दयाराम राय बहादुर के द्वारा पूछी गई। जबकि अब हम दूसरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये 1922 ईस्वी में जो है इसका जो इसकी खोज और उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया गया। ये जो सिंध प्रांत में है जो है यहाँ पे और सिंधु नदी के तट पर है, और इसकी जो खोज है वो राखालदास बनर्जी। तो ये 4 महत्वपूर्ण जो इसमें फैक्ट है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। तो इन दोनों ही स्थलों को तो आपको प्रत्येक दशा में जानकारी होनी ही होनी चाहिए। और इसके अलावा जो 4 अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जो इसकी जो है उत्तरी पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी दिशा को जो है निर्धारित करते हैं। तो अगर हम पश्चिम में देखें तो यहाँ पर जो है आलमगीरपुर, यहां पे जो है सबसे दक्षिणी जो है दैमाबाद, और यहां पे जो है मांड्या। ये 4 स्थल हैं जो उसके उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी जो है स्थल को या पूर्वी जो है छोर को स्पष्ट करते हैं। इन 4 को भी जानकारी में आपको रखना महत्वपूर्ण होगा। सुतकागेंदोर ये दास्क नदी के किनारे पर है और पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। इसी तरीके से जो है ये मांड्या जो है ये जम्मू और कश्मीर के जो है, पहले तो प्रांत था अब तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो उसके अखनूर जिले में जो है ये चिनाब नदी के तट पर है। और इसी तरीके से आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है हिंडन नदी के जो है किनारे पर है। इसी और यहाँ पर जो हम दैमाबाद को देखते हैं तो दैमाबाद की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो है ये नर्मदा में दा सबसे बाद में है, और यहाँ पे जैसे उसका दा सबसे बाद वाला आएगा वैसे ही इसका दा पहले से शुरू हो जाएगा, यानी कि दैमाबाद। तो नर्मदा दैमाबाद दा जो है एक साथ जो है जोड़ करके अगर याद करेंगे तो आप लोगों के लिए याद करने में आसानी होगी। इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है हमने नदी के बारे में भी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि हड़प्पा शब्द जो है और मोहनजोदड़ो में, तो हड़प्पा छोटा है और मोहनजोदड़ो बड़ा है, तो नदियों में भी उसी तरीके से है। रावी अगर हम मात्रा और जो है वर्ण को देखें तो ये छोटा शब्द है, तो हड़प्पा को हम रावी से जोड़ देते हैं और मोहनजोदड़ो बड़ा शब्द है, क्योंकि अगर ना को यहाँ पे हम अर्धवर्ण के रूप में देखें
तो ये जो है रावी से बड़ा हो जाता। तो ऐसी स्थिति में जो है ये याद करने का एक तरीका हो सकता है कि बड़े को बड़े और छोटे को छोटे से हम जोड़ करके देखेंगे तो कुछ फैक्ट एंड फिगर को हम आसानी से याद कर पाएंगे और उसके लिए हमें ज़्यादा जो है दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आपका परीक्षा पर जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने 2+4 को यहाँ पे देख लिया। साथ में जो है अगर हम देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी इसमें शामिल है। 7 महत्वपूर्ण स्थलों को नगर क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों ने अपने जीवन प्रणाली को, अपने रहन सहन के स्तर को, व्यापार को इस तरीके से विकसित कर लिया था कि वहां पर एक आत्मनिर्भर और व्यवस्थित जिंदगी जीने के लिए जो है परिस्थितियां विद्यमान और उपलब्ध थी। तो इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बलमाली और धौलावीरा, ये 7 जो है स्थल आपको जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं और इन्हें नगर क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कई बार यहाँ से कूट में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2+4+7 के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होता है। कुछ और महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसे हम सूची के रूप में स्क्रीन पर देखने का प्रयास करते हैं, जिसको आप लोग जो है रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे कि हड़प्पा में जो अभी तक हम लोगों ने खोज और उत्खनन को जो देख लिया, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से महत्वपूर्ण स्थल जो प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो है वो अन्नागार जो है महत्वपूर्ण स्थल जो है प्राप्त हुआ है। अन्नागार वहाँ का एक बहुत बड़ा जो है स्थल था और इसी तरीके से मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, शंख का बैल प्राप्त हुआ है, गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है और कांस्य दर्पण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो स्थल है, ये जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं, इसको भी परीक्षा में के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में हम लोगों ने जो है बात कर लिया था कि कहाँ पे खोज हुआ, किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पर देखिए जैसे वहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ था, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विशाल स्नानागार जो है प्राप्त हुए हैं और जिसके बारे में जो है मार्शल जो कि यहाँ के उत्खननकर्ता थे और जो है महानिदेशक थे उत्खनन विभाग के, जो है पुरातत्व विभाग के, उन्होंने जो है इसको विश्व के एक आश्चर्य निर्माण के रूप में भी दर्जा दिया हुआ है। तो ये यहाँ की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थल के रूप में जाना जाता है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति यहाँ से भी जो खोजी गई है, चमकते हुए बंदर का चित्र जो है और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। तो यहाँ पे ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो स्नानागार है जो सबसे ऊपर है, बीच में आप देख रहे हैं कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं की जो है मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुई है। अगला हम लोग चलते हैं लोथल पर जो है चर्चा करते हैं। लोथल जो है ये गुजरात में जो स्थित है और यहाँ की जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। इसके उत्खनन का वर्ष जो है 1955 और 1962 है। ये गुजरात के भगवा नदी के जो किनारे पर स्थित है। यहाँ पर गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर गोदीवाड़ा का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो भी पानी में चलने वाले जहाज होते थे उनको ला करके रोका जाता था और यहाँ से भेजा जाता था, यानी कि इसे ही आधुनिक भाषा में बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्निवेदिका भी यहाँ से प्राप्त हुई है, अग्निवेदिका यहाँ से लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी का दांत प्राप्त हुआ है, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, घोड़े की मृद मूर्ति, 3 युग्मित जो है समाधियाँ और चालाक लोमड़ी का चिन्ह। ला से लोमड़ी है और ला से लोथल है, तो जैसे लोथल में है एकदम उसी तरीके से लोमड़ी में भी जो पहला जो वर्ण है वो मिलता है। तो ये चीज़ें आपको याद करने के लिए जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा। अगला हम देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में स्थित है। अर्नेस्ट माइके व एनजी मजूमदार के द्वारा यहाँ पे इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था, ये 1935 ईस्वी में जो खुदाई की हुई थी। यह सिंध नदी के किनारे पर है और चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना जो है मिला हुआ है और बिल्ली और कुत्ते का जो पीछा करने वाले चित्र यहीं चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक यानी कि सौंदर्य प्रसाधन अगर पूछता है या लिपस्टिक पूछता है तो यहाँ से आता है क्वेश्चन ये कि लिपस्टिक भी एक प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन है। कांस्य की गाड़ी, वक्राकार जो है ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर,
यानी कि मन के बनाने से लेकर के सौंदर्य प्रसाधन की ज्यादातर चीजें अगर देखा जाए तो वो चंगुगड़ो नामक स्थल पर जो है पाई गई हैं। अगली तरफ से है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में जो है यह स्थल है, और अमलानंद घोष तथा बीबी लाल और बी के थापर, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा इसकी खोज की गई है, मतलब उत्खनन का कार्य किया गया है 1953-1960 ईस्वी में जो इसकी भी खोज की गई है, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो गुजरात के लोथल के आसपास के कालकाल में। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान के घग्घर नदी में के किनारे पर जो है बसा हुआ। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिला है वो ये है, जुते हुए खेत के साक्ष्य अक्सर और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जब हम कृषि का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसका जो है ध्यान में जो है इसको रखना आवश्यक होता है। तो अग्नि, हवन कुंड और चूड़ियाँ, तो ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ से पाए गए हैं कि जुते हुए खेत, अग्नि, हवन कुंड और चूड़ियाँ यहाँ से जो है पाई गई हैं। आगे हम लोग देखेंगे राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान में जो है हरियाणा के हिसार जिले में जो है स्थित है, और यहाँ इसके उत्खनन का कार्य जो है सूरज भान के द्वारा किया गया था, और वर्ष को अगर देखें तो ये 1969 ईस्वी में जो इसकी जो है खुदाई की गई थी। ये भी जो है घग्घर नदी के किनारे है, यानी कि इसके पूर्व में हमने देखा था कालीबंगा भी घग्घर नदी के किनारे था, परंतु वो राजस्थान में था, और यहाँ पर ये राखीगढ़ी जो स्थल है ये हरियाणा हिसार में है। और यहाँ पे जो है ताम्र उपकरण जो है पाए गए हैं, हड़प्पा लिप युक्त मुद्रा पाई गई है, तो ताम्र युक्त उपकरण जो है यहाँ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला जो है कोटडीजी, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, धुरे और फजल अहमद खान के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। इसका वर्ष जो अगर हम देखेंगे तो 1955-1957 है, लोथल के आसपास ही इसकी भी खुदाई की गई, सिंधु नदी के किनारे जो बसा हुआ, सिंधु प्रांत में है तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि वो सिंधु नदी के किनारे ही जो है बसा हुआ है। अगला है यहाँ पर चित्रित मृद भांड, मिट्टी के जो है विभिन्न प्रकार के आकार के बने हुए बर्तनों की इसमें जो है बात की जाती है। मातृ देवी की जो है मूर्तियाँ, तो मातृ देवी की मूर्तियाँ, या इससे ये भी एक संकेत मिलता है यहाँ पे जो है कि मातृ देवी की पूजा होती थी, जो है मन के कांस्य की अंगूठियाँ, पत्थर के जो है वाणाग्र, यानी कि पत्थर के जो बाण जो है बनाए जाते थे, जिसका अग्रभाग जो है पत्थर के रूप में जो है होता था, तो ये स्थल यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनवाली हम लोग देख लेते हैं, हरियाणा के हिसार में है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी जो है उत्खनन का कार्य किया गया तो 1973 ईस्वी में, और यह सरस्वती नदी के किनारे जो बताया गया है जो कि वर्तमान समय में लुप्त हो गई है। मिट्टी के खिलौने यहाँ से पाए गए हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के चित्र पाए गए हैं, मोहरे, कसौटी आदि जो है यहाँ से जो है मिले हैं। मिट्टी का हल ये परीक्षा में यहाँ से कई बार पूछा गया है, और कृषि का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसका भी उल्लेख वहाँ पर हम लोग करते हैं, तो मिट्टी का हल यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बनवाली जो कि हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे है। अगला है रोपण, जो कि पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी जो है खुदाई की गई 1955 ईस्वी में, यह सतलज नदी के किनारे, पंजाब में सतलज महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा सा इसको रुक करके देखने और रुकने की समझने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए कि पंजाब में अगर देखा जाए तो सतलज एक महत्वपूर्ण नदी है, तो अगर रोपड़ पंजाब में है तो इसके सतलज नजदीक के किनारे होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ से ताबे की कुल्हाड़ी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सेलखड़ी की मुहर तथा कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, यानी कि ताबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य और सेलखड़ी की मुहर यहाँ से पाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रंगपुर, रंगपुर जो गुजरात में स्थित है, जैसे लोथल गुजरात में है रंगपुर भी है, ये जो है एस आर राव के द्वारा खुदाई की गई है, ये भादर नदी के जो है किनारे पे स्थित है। ज्वार, बाजरा और तीन संस्कृतियों के अवशेष यहाँ पर जो है प्राप्त होते हैं, ज्वार और बाजरा की जो है यहाँ से खेती के जो साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, और तीन संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है आलमगीरपुर, मेरठ में स्थित है, इसके बारे में हम लोगों ने बताया भी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई की गई है और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी, तीन संस्कृतियों के साक्ष्य, अभी इसके पूर्व में हमने देखा रंगपुर में भी तीन संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक चट्टान के जो है अवशेष, मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बेबीलोन से भी यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य, एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे फैक्ट मिलता है कि बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य यहीं से जो पहली बार प्राप्त हुए हैं, और गोदीवाड़ा यानी कि
बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये जो है लोथल से जो प्राप्त हुआ था, जिसको हम लोगों ने देखा। अगला है मांडा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जगपत जोशी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1982 ईस्वी में। और चिनाब, चिनाब जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे चट और ब्लेड हड्डी से निर्मित बालाग्र और मोहरों के साक्षी, यानी कि यहाँ पे हथियार वगैरह के साक्षी जो ज़्यादा मिले हैं। पूर्वोत्तर से अगर देखा जाए तो आक्रमण वगैरह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बनता है। अगला है सुतका कोह, ये जो बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 ईस्वी में सादी कौर नदी के किनारे जो है इसकी खुदाई हो गई थी। दो टीले और मिट्टी के साक्ष्य यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतकोतड़ा, ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से जो है जगपत जोशी के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे 1964 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कलश समाधान, यानी कि जो शव है उसके राख को जो है कलश में रख करके जो किया गया, और घोड़े की जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, कलश समाधान और घोड़े के साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो देखा कि सूचियों के माध्यम से हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण स्थल, इसके महत्वपूर्ण नदी और किसके द्वारा खुदाई कब की गई थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसको हम लोगों ने जो देखने का प्रयास किया। अब हम लोग जो है इसके काल को जो देखने का प्रयास करते हैं कि इसके काल जो है, अब हम इसके बाद जो है यहाँ पर इसके काल को जो देखेंगे कि काल का निर्धारण जो है कब के लिए जो है किया जाता है। काल का निर्धारण कई जो है संगठनों के द्वारा, कई भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसे काल निर्धारण करने का प्रयास किया गया था। भारत पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो मार्शल के द्वारा भी इसका निर्धारण किया गया था। यद्यपि उन्होंने जो 3250 से लेकर के 2750 के बीच में इसका कार्यकाल निर्धारण किया था, जो कि वर्तमान समय में बहुत मान्य प्रतीत नहीं होता है। अब इसके बाद कार्बन डेटिंग, जो एक सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से जो है कार्बन का मतलब यह है कि कोई भी जो है जीवाश्म प्राप्त होता है उसके आधार पर इसकी डेट निकाली जाती है, इसलिए इसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड बताया गया है वो जो है 2250 से लेकर के जो 1750, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण डेट बताई गई है। एकदम डेट से संबंधित सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक विकास के क्रम को जानने के लिए आप लोगों को जानना आवश्यक 1750, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है वैदिक सभ्यता प्रारंभ होता है, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में होता है। उसी में उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है, तो 500 तक आ जाता है, उसके बाद आपका महाजनपद काल। तो ये काल क्रम को ध्यान में रखते हुए जो है 1700 या 1800 से लेकर के 2200 या 2300 तक आप मान सकते हैं, या 1800 से लेकर 2300 तक मान सकते हैं, एग्जैक्ट किताबों में यही डेटा प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के जो कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर हम ये ऐतिहासिक विकास क्रम को देखें तो हड़प्पा सभ्यता से ही जो है इतिहास प्रभावी ढंग से प्रारंभ होता है। तब हम पढ़ने को तो इसके पूर्व में कई और जो है सभ्यताएँ मानव के विकास के क्रम, पाषाण काल, आदिपाषाण काल, नवपाषाण काल को पढ़ते हैं, किंतु जो है परीक्षाओं के लिहाज से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, और आपके इसमें भी जो है परीक्षा में यहीं से जो है पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर इसकी जो है ये तिथि जो है प्राप्त होती है। थोड़ा सा और भी हम इसी लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं कि नगर, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर देखा जाए तो ये नगर योजना रही है, क्योंकि इतने प्राचीन काल में लोगों ने इस तरीके के जीवन दर्शन, जीवन प्रणाली और व्यापार प्रणाली को जो खोजा कि वहाँ पर एक बेहतरीन जो है और विधिवत नगर योजना जो है वहाँ पर पाई जाती थी। नगरों के माध्यम से लोग अपना जीवन यापन करते थे, और नगरों में जो है दुर्ग भी बने होते थे जहाँ पर जो शासक वर्ग जो है रहता था। नगरों के सम्मुख जो है दुर्ग बने होते थे, शासक वर्ग रहते थे, सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते थे। यहाँ की जो सड़कें होती थी वो कुछ इस तरीके से जो है बनी हुई होती थी, और जो आवास होते थे वो इन सड़कों के जो है किनारे पर जो है बने हुए होते थे। यानी कि जो सड़कों की व्यवस्था है, वो जो जाल है, जो ग्रिड सिस्टम है, वो ये था कि जो है यहाँ पे
संपूर्ण पर सड़कें मिलती थी और जो आवास होता था वो इसी के जो है किनारे जो है विकसित होते थे। इसी के किनारे किनारे लोग अपने जो है मकान जो बनाते थे और इन मकानों में जो खिड़के खिड़कियां जो होती थी और दरवाजे जो होते थे, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी ये कि रोड से पीछे की तरफ यानी कि रोड पर न खुल करके पीछे की तरफ जो खुलती थी। अब ये इतने जो है यहाँ पे सोच को जो है विकसित कर लिया गया था और इस तरीके से चाहे वो प्रदूषण का मामला हो या ध्वनि प्रदूषण का मामला हो, वायु प्रदूषण का, तो उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होता था। एक आध स्थल ऐसे आए हुए हैं जैसे लोथल में है जहाँ पे इस तरीके का जो है व्यवस्था न होकर के वो सड़कों की तरफ जो है गलियों में खुलने के जो है साक्ष्य प्राप्त किए गए लोथल में। तो इस तरीके की यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, दो मंजिला जो भवन बनते थे और उन बहुमंजिला जो है स्थलों पर जो पानी की व्यवस्थाएं होती थी, स्नान की व्यवस्थाएं भी जो है हुआ करती थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रहने के लिए जो है ग्रामीण के बजाय नगर क्षेत्र होता था। वहाँ पे दुर्ग में शासन लोग में जो है दुर्गों में शासक वर्ग के लोग रहते थे। सड़कें संकोण पर जो है कटती थी और वहाँ पर जो है घर जो बनते थे वो सड़कों के किनारे बनते थे। उनके जो खिड़कियाँ होती थी, दरवाजे होते थे, वो जो है सड़क से विपरीत दिशा में जो है खुलते थे। तो इस तरीके से ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है नगर योजना यहाँ की जो है एक विशेषता जो है वो रही है, जिसे कि आपको ध्यान में रखना होगा। कृषि से संबंधित अगर हम चीजें देखें, कृषि जो है नगर क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य की भी गतिविधियां तो यहाँ थी ही, लेकिन इसके साथ साथ कृषि भी यहाँ पे कार्य किया जाता था। कृषि के अंतर्गत जो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती यहाँ पर जो है की जाती थी और खेती से संबंधित साक्ष्य भी मिले हुए हैं। अगर हम उसको एक दिशा में जो है देखने का प्रयास करें तो ये जैसे रोजदी एक स्थान जो गुजरात में जो है वहाँ से यहाँ पे रागी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से भी जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में अगर हम देखें तो वहाँ से कालीबंगा नामक स्थान से, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया, वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी तरीके से हरियाणा से जो है वो मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो ये बताता है कि इस काल में जो है नगर क्षेत्र के बावजूद भी जो कृषि की व्यवस्थाएँ थी जो कि भोजन का एक महत्वपूर्ण आधार भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो है कृषि कार्य भी जो है किया जाता रहा है। कृषि के साथ साथ जो पशुपालन, क्योंकि कहीं पर भी अगर कृषि कार्य किया जा रहा है तो वहां पे कृषि के साथ साथ जो पशुपालन के भी जो कार्य किए जाते हैं। पशुपालन में जो है गाय, अब जब हम पशुपालन की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना, आप वर्तमान समय में हम अपने आसपास किन पशुओं को पालने के जो है गतिविधियों को देखते हैं, कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, तो उसमें जो भी पशु पाले जाते हैं वही कमोबेश पशु यहाँ पर भी दिखाई पड़ते हैं। गाय हैं, बैल, भैंस, ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, तो यही सब जो है पशु पाले जाते हैं। कुछ जगहों पे बकरी भी जो है पाली जाती है, बकरी दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, भेड़ भी जो है ऊन के लिए, मांस के लिए पाले जाते हैं, सुअर पालन भी जो है होता है। तो इस तरीके से जो ये सभी जो है पशु वहाँ पर जो पाले जाते थे, कुत्ता और बिल्ली के भी जो है साक्ष्य वहाँ से जो है मिले हुए हैं, तो हम उसको जो है कुत्ता और बिल्ली भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। कुत्ता और बिल्ली भी जो है कि साक्ष जो है अगर पशुओं में जो देखा जाए तो पाले जाते थे। यहाँ पे जो है हाथी और घोड़े पालने के तो साक्ष नहीं मिले हैं साक्ष कोई, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से साक्ष मिले हैं कि यहाँ के लोग जो है कुत्ते, हाथी और घोड़े से भी परिचित थे, लेकिन पालने के साक्ष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। गैंडा भी जो है मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुए इसके साक्ष्य, तो गैंडे भी जो है यहाँ से पाले जाते थे। यहाँ पर जो है पशुपालन में जो है इन सभी जो है पशुओं को जो है देखा गया है, जबकि सुतकोतड़ा में हमने देखा कि जो है यहाँ पे सुतकोतड़ा में जो है घोड़े के जो है साक्ष्य जो है जो प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से कृषि के साथ जो पशुपालन के भी जो साक्ष्य यहाँ पर जो है दिखाई पड़ते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है ये हिस्ट्री का एक जो है इंट्रोडक्टरी क्लास भी था और इसमें हम लोगों ने कुछ सिलेबस को भी कवर किया, तो इसके माध्यम से आप लोगों को एक दिशा इसके हड़प्पा सभ्यता जो कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है के बारे में प्राप्त हुआ होगा, कि इसको आप लोग अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। इसका दूसरा और अंतिम भाग हम अगले जो है लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।